हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रोमन नंबर्स। देखिए, ये बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है और बेसिक मैथ्स में नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। और इसको जो है इम्पोर्टेंट जो है इसलिए है क्योंकि ये सीटेट के क्वेश्चंस इससे बनते हैं और कई बार जो है एंट्रेंस में पूछा भी जाता है। और बिल्कुल सिली सिली जो है इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको इजिली जो है समझा भी जा सकता है। ठीक है, आइए कुछ जानते हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस मैंने लिख लिए, इन्हीं बिहाफ पे जो है पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा पूरा, कि रोमन नंबर्स कैसे ऑपरेट होता है और इसका नंबर कहाँ कहाँ है। जैसे क्लासेस वगैरह होती है स्कूल में तो रोमन नंबर से लिखी जाती है, या फिर जो क्लॉक वगैरह होते हैं, या फिर कुछ ऐसे जो क्या कहते हैं ईरा होते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रोमन नंबर से। ये तो इस पर कुछ जान लेते हैं, कुछ पहले कुछ बातें। अब देखिए, कुछ बेसिक सी बातें आपको पता होंगी। वो बेसिक सी बातें ये हैं कि वन रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से, टू रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से, थ्री रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से, ये चीज आपको पता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि फाइव किससे रिप्रेजेंट होता है, इससे, वी की तरह सिंबल होता है। उसके बाद ये भी पता होगा टेन किसकी तरह होता है, एक्स की तरह। क्लियर, उसके बाद ये भी पता होगा कि एल ये किसकी तरह होता है, 50। और ये भी आपको नॉन में होगा कि अगर मैं आपसे सी कहूं तो आप कहेंगे 100, अगर मैं आपसे डी कहूं तो आप कहेंगे ये 500, एंड देन मैं एम कहूं तो वो रिप्रेजेंट करता है 1000। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखनी है, ये तो आपको पता ही है। क्लियर, और ये आपको याद रखनी है। ठीक है, एल का तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, हाफ हाफ सेंचुरी, यानी एल जो है आ रहा है इसमें तो 50। ठीक है, ये ट्रिक मैंने बनाई हुई है। सेंचुरी का मतलब पता ही है आपको, सी से सेंचुरी ऐसे याद रखो कि रोमन नंबर्स में सी क्या होता है, 100। ठीक है, क्लियर, और डी 500 और एम 1000। ठीक है, ये मास्टर्स है तो ये सबसे ज्यादा नंबर लेके बैठा है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। क्लियर, तो ये चीजें हैं। यहाँ पर कुछ बातें आपको कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू भी मैं बता देता हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, ये नोट कर लेते हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। वी 5 कहलाता है, एक्स 10 कहलाता है, एल 50 कहलाता है, सी 100, डी 500, एम 1000। क्लियर, आइए कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या कहती है ये देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, लेटर कैन नॉट रिपीट मोर देन 3 टाइम्स। देखिए, कोई भी अगर लेटर है, जैसे मान लीजिए 1 है, तो ये 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। इस तरीके से लिखते हैं ना हम लोग ऐसे, लेकिन ये ऐसा तो नहीं लिखते, ये रॉन्ग है। ये बोला गया है x लिखते हैं 10, फिर ये ऐसे करके, तो ये 4 बार आप नहीं देखेंगे, ये केवल 3 ही बार देखेंगे। ठीक है, अगर की पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। उसी के बाद देखिए, थोड़ा सा एडवांस बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे, जो उनकी रिपीटेड डिजिट्स होती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया x x एक्स, जो ये नंबर रिपीट हो रहा है, ये नंबर आपस में ही क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ये होता है यहाँ पर रिपीटिंग ऑफ डिजिट ऑलवेज सम ऑफ सेल्फ नंबर, यानी एक्स क्या है 10 है, तो ये जितनी बार रिपीट हुआ है सम प्लस होंगे। ठीक है, यानी इसका आंसर है 30। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 30। क्लियर, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, वी एल डी, या आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, वैलिड। ये मैं इसलिए याद रखता हूँ क्योंकि इसमें वोवल्स हटा दीजिए ए और आई, तो वी एल डी बच गया। वी एल डी कभी भी रिपीट नहीं होंगे, कभी ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेगा, वी वी ये 5 5 नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर, ना ही आपको एल देखने को मिलेगा। ठीक है, एल का मतलब आपका 50 था। ठीक, तो ये भी याद रखना कि एल एल भी देखने को नहीं मिलेगा ऐसे। क्लियर, तो ये याद रखना है। और वैलिड ट्रिक बताइए मैंने, वैलिड और वोवल्स काट दीजिए इसमें से, फिर ये और ये काट दीजिए, वी एल डी बचे, ये भी याद कर सकते हैं। क्लियर, ये थर्ड प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है, कोई नंबर है मान लीजिए वी, ठीक है, एक नंबर है आपके पास आई, आई की तरह रिप्रेजेंट करते हैं 1 को, एक नंबर है आपके पास एक्स, अगर कोई नंबर इनसे छोटा है और वो यहां लगा हुआ है लेफ्ट में, जैसे मान लो ये लगा हुआ है ऐसे करके, तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपका ये नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है।
यानी v कितना है 5 और v कितना है 1 तो यहां 1 माइनस हो रहा है यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 4। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। x है, x के पीछे ये है सपोज कीजिए, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या आप ऐसे कर लीजिए अगर शॉर्ट में देखो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये कितना है 10 है और ये पीछे माइनस वन क्योंकि ये 1 है। क्लियर, तो ये रिप्रेजेंट करता है 9, तो आपको पता होगा 9 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने छोटे एग्जांपल ले ताकि आपको मैं समझा सकूं। क्लियर, तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया। क्लियर, तो यही वो मैंने बताया हुआ है। हाँ, और एक चीज और याद रखनी है आपने, मैं यहाँ पर बता देता हूँ पॉइंट्स के हिसाब से। देखो जैसे मैंने अभी मैंने v और x जो है मैंने लिखा था, v और x हमेशा किससे सब्ट्रैक्ट होंगे, i से। क्लियर है, यानी यहां पर केवल ये नंबर आ सकते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं देखोगे आप पीछे, अगर है तो वो नंबर नहीं माना जाएगा, वही मैं बताने वाला था। और x के पीछे ठीक है, और l m और c के पीछे हमेशा क्या होगा, x होगा ऐसे करके, यानी ये नंबर इनसे सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, कभी भी आप यहां ये नहीं देखोगे यहां 1 लगा है, ये नंबर वैलिड नहीं है। क्लियर, उसके बाद यार ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी। और c d और m किससे माइनस होंगे, हमेशा c और c से। ठीक है, d का मतलब 500 होता है, m का मतलब 1000 होता है, तो ये c समझ में आ गई, ये चीज क्लियर है। ठीक है, और फिर से है v एंड d वैलिड, कोई भी सब्ट्रैक्टेड नहीं होगा, यानी कोई नंबर ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए d लिखा हुआ है और यहाँ l लिखा हुआ है, ये नंबर नहीं माना जाएगा। क्लियर, तो ये मैंने वहां लिख ही दिया है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है ये क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज रह गई जो मैंने नहीं बताई, अच्छा ये वाला मैंने बता दिया पीछे है। अच्छा हाँ, एक और चीज रह गई, ये तो समझा समझ में आ गया होगा, ये वाला भी समझ में आ गया, अगर नंबर पीछे है तो वो माइनस हो रहा है, जैसे सी मतलब 100 है और पीछे 10। ठीक है, पीछे का नंबर मतलब ये माइनस है, और आगे हो तो प्लस, जैसे एम डी, एम का मतलब 1000, डी का मतलब 500, ये क्या होता है 1500। ठीक है, आगे कोई नंबर है तो वो प्लस हो रहा है, पीछे कोई नंबर है छोटा तो वो माइनस हो रहा है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, एक मैंने आपको डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शंस के बाद आप इसको ना सॉल्व करना और भी इंटरनेट से क्वेश्चन निकाल के, तो आपको और अच्छी सी चीज समझ में आ जाएगी मैंने क्या बताने की कोशिश की। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन 1 मार्क में आता है या 2 मार्क में आता है या 2 मार्क्स में, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं चाहे वो 1 मार्क का हो या 2 मार्क का हो, तो ये क्वेश्चन छूट सकते हैं और बहुत ही सीधे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आता है तो छोड़ देते हैं। क्लियर, आइए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इन नंबर्स को हमने रोमन नंबर्स में लिखना है, तो देखते हैं। अब देखिए पहला नंबर 90, अब सोचिए 90 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 को लिखना मेरे लिए ऐसे तो मैं लिख नहीं सकता। अगर मैं कहूँ मेरे पास सी है एंड देन, अच्छा आप सोचिए मैं इस नंबर को कैसे लिख सकता हूँ। देखो दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिखता हूँ, देखो एक तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ 50 और 10, 10, 10 और 10, 4 बार 10 हो गया, और 10 के लिए क्या होता है x x x x, और मैंने बताया था कि 3 बार से ज़्यादा रिपीट कर नहीं सकते, तो ये फार्मूला तो लगेगा नहीं। एल का मतलब क्या, और 15 का मतलब क्या होता है एल, तो ये ऐसे तो लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 बार रिपीट हो गया x, वो मैंने बताया था कि वो 3 बार से रिपीट नहीं होना चाहिए पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो सोचिए इसको मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता, अब सोचिए कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 10, वही बात है, 100 के लिए मैंने क्या बोला था, कौन सा सिंबल है c, और ये पीछे जाके सब्ट्रैक्ट हो सकता है प्रॉपर्टी, दिस ये वाली प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी, तो पीछे 10 को क्या लिखते हैं इस तरीके से। क्लियर, तो ये मैंने बताया भी कि इसके पीछे हमेशा क्या आएगा x आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, तो ये मैंने कैसे लिखा है कैसे किया है, तो ये वाला फॉर्मेट सही है ये वाला गलत है, तो इसका आंसर xc।
क्लियर है, मैं यहां लिख देता हूं एच सी पहले वाले का आंसर, और सेकंड वाले का देखते हैं कैसे लिखते हैं। अब सोचिए 60 तो बड़ा आसान है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस में 10, और 50 के लिए एल और प्लस में एक्स एल एक्स खत्म, क्योंकि आगे नंबर प्लस होता है, तो ये एल एक्स आ गया। दूसरे वाले, तीसरे वाले का देखिए, अब देखिए तीसरे वाले का थोड़ा सा ध्यान लगा के और करना है। देखो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं 50 प्लस 10 प्लस 9, देखिए 50 और 10 60 और ये 9 69, ठीक है, यानी 69। तो 50 को मैं कैसे लिख सकता हूं एल, 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं एक्स, और 9 को तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, 9 को कैसे लिख सकते हैं, ये 10 है, इसके पीछे 1 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये 9 हो गया, तो मैं यहां लिख सकता हूं, ठीक है। फिर ये वाला भी आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं है, और भी है यहां पर, एक्स लिख लेते हैं एल एक्स वन एक्स, ठीक है। फिर अब देखिए 98 को आप ऐसे नहीं लिख सकते जैसे कई लोग ऐसे करते हैं, 90 प्लस 8 ऐसे नहीं करेंगे आप, ये चीज आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। देखो क्योंकि 90 अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो जैसे कहने का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 90 लिखने का क्या तरीका होगा, अगर आप लिखोगे तो एक लिखोगे एल और फिर लिखोगे एक्स 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 एंड देन 8, लेकिन 4 एक्स आप रिपीट नहीं करेंगे, ये मैंने बताया। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको 100 में बना लीजिए। अब देखिए मैं इसको 100 बना लेता हूँ, माइनस 10 कर देता हूँ एंड देन प्लस कर देता हूँ 8, बोलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब 100 को मैं क्या लिखता हूँ सी, 10 को क्या लिखता हूँ पीछे, जो मैं लिख सकता हूँ मैंने बताया था, और क्या है ये 8 है, 8 का तो पता ही आपको पढ़ाई है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं बिल्कुल, और ये चीज समझ में आ गई थी मैंने क्या किया, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, क्लियर। ठीक है, ये इसका आंसर है। फिर अब मैं इसको आगे करते हैं, और आगे है थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है 545, क्लियर, ये एग्जाम में पूछा गया है तो ये भी याद रखना है। देखिए इसको करना कैसे है, पहले तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, 500 प्लस 40 प्लस 5, ठीक है। हमें बताइए 500 को तो आप लिख सकते हैं, 40 को आप नहीं लिख सकते, तो 40 को आप ऐसे लिख सकते हैं 50 माइनस 10 ऑब्वियसली लिख सकते हैं प्लस 5, बोलिए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। 500 को ऐसे लिखा, 40 को मैंने ऐसे लिखा 50 माइनस 10 और ये 5 का, 50 के लिए मैंने क्या बोला कौन सा सिंबल है, तो आप कहेंगे सर डी, डी है, और 50 के लिए कौन सा सिंबल है प्लस करके मैं यहां लिखता हूं, 50 के लिए सिंबल है सी, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, 50 के लिए सिंबल है एल, और ये पीछे आएगा क्योंकि माइनस हो सकता है, यहां मैंने बताया बोर्ड के पढ़े, और प्लस 5 के लिए सिंबल क्या है वी, और अगर इसको मैं पूरे को जोड़ दूं तो डी एक्स एल वी, क्लियर, ये इसका आंसर है डी एक्स एल वी, क्लियर है। देखिए और कोई तरीका नहीं है, आप कोशिश करिएगा तो आपका आंसर बनेगा, ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, सिक्स वाले पे, तो सिक्स को देखते हैं एक बार, तो मैं इसके आंसर
मैंने इसके आंसर नहीं लिखे, कोई बात नहीं, आप रिपीट करके देख लीजिए। 217। अच्छा 217 कैसे लिख सकते हैं, 200 प्लस 70, और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 7, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं कहूँ 100 100 यानी CC, और ये क्या है 10 और 7, ये तो आसान है, क्लियर। तो ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई कि मैंने किस तरीके से इन नॉर्मल नंबर्स को कैसे नॉर्मल नंबर में चेंज किया है, क्लियर नहीं है। बस ये प्रॉपर्टीज को आपने ध्यान रखना है, क्लियर, ये प्रॉपर्टीज को, इन प्रॉपर्टीज को याद कर लोगे एक बारी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ईजी हो जाएगा। आइए आप ये वाले क्वेश्चन देखते हैं नीचे वाले, और नीचे वाले को देखते हैं किस तरीके से इन्होंने ऑपरेट किया। आइए इसको लिखते हैं, एल एक्स आगे नंबर है तो प्लस ही हुआ 3, ये क्या है 10 है तो यहाँ 10 लिखना है, और एल का मतलब क्या होता है 50, तो ये आ गया आपका 63, ठीक है। इसको देखते हैं एक्स सी ये है, तो वैसे बताइए ये अगर इसके पीछे आया है, मैंने बताया तो माइनस हुआ होगा, तो सी का मतलब क्या है 50, ये माइनस हुआ होगा 10, और ये आगे है तो प्लस होगा, ये 2 होगा क्योंकि ये नंबर 11 है, ठीक है। ये चीज तो ये आ गया 42, 50 में 10 गया 40, और 40 में 2 जोड़े 42, 42, क्लियर। ये चीज भी आपकी होगी, ये भी होगी, ये भी हो गया, क्लियर। ये तरह ऑर्डर है। अब देखिए ये वाला देखते हैं एल सी, अब देखिए ये नंबर पीछे आया है एल सी, तो मैं इसको मान के चलता हूं ये कितना है मेरे पास 100, और एल का मतलब क्या है 50, ये आगे आएगा माइनस करेंगे तो ये 50 आ जाएगा फिर, और ये वैलिड नहीं माना जाएगा। कुछ पूछे क्यों, क्योंकि सी के पीछे हमेशा होना चाहिए एक्स, और यहां दे रखा है एल, और इसको सॉल्व करने का मतलब है कि 50, और 50 तो ऑलरेडी एक सिंबल है एल, ठीक है। तो 50 इज नॉट अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एल सी, एल मतलब 50, ओके। ये चीज क्लियर हो गई है, यहां पर ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि किस तरीके से है। आगे करते हैं हम लोग एक्स एल 4, तो ऑब्वियसली बात है एल का मतलब 50, ये नंबर आगे जाएगा माइनस होगा 10, और ये प्लस होगा कितना है 4, 40, देन 4 और 44, ठीक है। ये चीज जो है मैंने क्वेश्चन सारे करा दिए हैं, क्लियर है। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और है यहाँ पर, और वो क्वेश्चन जो है एग्जाम में स्ट्राइक करा था, तो मैं बताता हूँ किस तरीके से आया था। बोला गया था, चलिए ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि किस तरीके से नॉर्मल नंबर में लिखा जाएगा और किसको नॉर्मल नंबर में लिखा जाएगा, ये चीज मैंने आपको सिखा दी है। और भी क्वेश्चंस करिए इस पे आप ढूंढ ढूंढ के, ठीक है, और ऐसा करिए सॉल्व क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, नेट पे मिल जाएंगे, मैंने आपको समझा दिया है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही करेक्ट सिक्वेंस में मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, फाइंड बार इस तरीके से, तो देखिए अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो आपको मैंने ये बताया, ये खाली इसको बताओ ये क्या है, ये है आपके पास 4, ठीक है, और ये बार रिप्रेजेंट करता है 1000, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसका मतलब है 4000, ठीक। ये क्वेश्चन था छोटा सा, बहुत ही आसान, और इसमें अटक जाते हैं, सीटेट में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो देखिए जो आपका बेसिक मैथ्स का नंबर सिस्टम में रोमन नंबर है, मेरे को लगता है ये इनफ है आपके लिए, इतना काफी है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस ये छोटा सा ये प्रॉपर्टीज जो है डिवाइस मानने का, और ये पार्ट नंबर 1000 है, क्लियर है। तो इसी के साथ मैं ये वाला पोर्शन नंबर सिस्टम का रोमन नंबर मैं कंप्लीट करता हूँ पूरी तरीके से, क्लियर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जल्दी, और आई होप कि ये चीज पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कोई चीज रह गई है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ, थैंक यू।